वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में हम लोग को ईथर दिया हुआ है, उस ईथर को एचआई से ट्रीट किया है। तो हम लोग को पता है जब ईथर में एचआई देंगे तो ये जो है ब्रेक करेगा। एक तरफ दो अल्काइल ग्रुप है, किसी एक के पास आयोडीन आएगा, किसी एक के पास अल्कोहलिक ग्रुप रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर टर्शरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो सकता है। टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर SN1 रिएक्शन होने वाला है। अगर कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बनता तो SN2 रिएक्शन कराते, तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। इस बॉन्ड को ब्रेक करने से पहले ये H का यहाँ पर प्रोटोनेशन कर देते हैं और ये प्लस हो जाएगा। अब ब्रेकिंग जो होगा ईजी हो जाएगा। तो आफ्टर प्रोटोनेशन ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होकर इस तरफ चला आएगा और क्या बनेगा, ये बनेगा। ये कार्बोकैटायन बनेगा और ये बनेगा CH2, CH3 और इधर आया OH, इधर अल्कोहलिक ग्रुप लग गया। अगर ये कार्बोकैटायन नहीं बनता तो फिर, अगर ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता तो फिर हम नहीं बनाते, फिर हम SN2 रिएक्शन कराते। तो यहाँ पर SN1 करा रहे, अब आयोडीन यहाँ आएगा, I- इस पर अटैक करके ये बनाएगा। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट हुए, एक प्रोडक्ट हुआ आयोडो एल्केन, एक प्रोडक्ट हुआ अल्कोहल। तो ये दोनों प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट नंबर 1 एंड प्रोडक्ट नंबर 2।